उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में सफल पारी खेलने के बाद तिवारी के लिए उत्तराखंड की राजनीति में सबसे बड़ी मुश्किल वर्ष 2007 में आई। उनके मुख्यमंत्री काल में लाल बत्तियों के बंदरबांट, भ्रष्टाचार, राज्य संपदा के दुरुपयोग, राज्य में निवेश का स्थानीय मुद्दों पर खरा न उतरना जैसे कई मुद्दे सरकार को परेशान कर रहे थे। इस समय उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने नौचमी नरेणा गीत की रचना की। ये गीत कम ही समय में चारों ओर प्रसारित हो गया और सरकार के विरोधी इसे लेकर सीएम तिवारी पर निशाना साधने लगे। इस गीत को तत्कालीन सरकार की अघोषित सेंसरशिप का शिकार होना पड़ा। इस गाने की सीडी और डीवीडी मार्केट से जब्त कर ली गई थी। गीत के गायक नरेंद्र नेगी के कार्यक्रमों पर अघोषित रोक लगाई गई। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। गीत में उत्तराखंड के राज्य निर्माण के संघर्ष से लेकर भाजपा की पहली सरकार बनने से लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया तिवारी को निशाने पर लिया गया था। गीत का ज्यादातर हिस्सा तिवारी पर केंद्रित है। इस गीत की रचना, प्रक्रिया और बात के सफर पर पत्रकार मनु पवार ने किताब भी लिखी है कि किस तरह से ये गीत उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों तक पहुंच गया। गीत को उत्तराखंड के लोक गायन जागर की शैली में गाया गया था। जागर शैली में अपने पूर्वजों और देवताओं का आह्वान करने के लिए गाया जाने वाला एक गीत होता है। गीत गढ़वाली भाषा में है लेकिन हिंदी भाषियों को समझ में आ सकता है। नरेंद्र नेगी का ये गीत उनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में से एक है। आज भी उनसे इस गाने की मांग की जाती है। नौचमी नरेणा से आशय बह रुपया नारायण यानी कि श्री कृष्ण का एक नाम है जो गोपियों को प्रिय है। इस गीत में नारायण दत्त तिवारी की भूमिका निभा रहे कलाकार को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है।